हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुमकुम किचन। आज हम बनाएंगे ताजे सिंघाड़े के पकौड़े। आपने सिंघाड़े के आटे के पकौड़े तो बहुत खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपको ताजे सिंघाड़े के पकौड़े बनाना बताऊंगी और ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। इसके लिए हम इसको इस तरीके से काट लेंगे और छील कर छिलके को अलग करेंगे और इसकी जो गुठली है, फल है, उसको हम अलग कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से मैंने सारे सिंघाड़े छील लिए हैं और इसको अच्छे से धो लिया है। इसको मैंने मिक्सर के जार में डाल दिया है और हम यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, 2 से 3 हरी मिर्चें कटी हुई डालेंगे, 1 चम्मच जीरा, 8 से 10 लहसुन, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। ये सभी चीज़ें साथ में डालकर हमें अच्छे से इसे ग्राइंड करना है। देखिए मैंने कितना अच्छा फाइन पेस्ट तैयार किया है। अब हम इसे निकाल लेंगे बाउल में। यहाँ मैं मिला रही हूँ 1/4 चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच आमचूर, 1 छोटा चम्मच काला नमक, सादा नमक स्वाद अनुसार, 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, चावल का आटा 1 चम्मच, 1 चम्मच बेसन। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। आप चाहें तो चावल के आटे को स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच अजवाइन। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ मैंने तेल को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें मनचाहे आकार के छोटे या बड़े, आप जैसे चाहें, पकौड़े डालिए। पकौड़े हमें मीडियम आंच पर ही सेकने हैं। इन्हें अच्छा सुनहरा कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पकौड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये ऊपर से कुरकुरे होते हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, तो आप इन्हें एक बार ज़रूर बनाइएगा। इसे मैं सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो हरी चटनी के साथ या दही के साथ भी इन्हें सर्व कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। यदि आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइए आपको क्या कैसे लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।